लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, समय पर ट्रेन भी आ गई, छोड़ने वाले भी पहुंच गए, लेकिन साहबजादे कहाँ हैं? टेंशन मत लो भाई साहब, कोई अर्जेंट काम से गया होगा। मेरे ट्रेन छूटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। सिर्फ इतना समय है कि या तो मैं तुम्हें मारूं या तुम मुझे मारो। अगर ट्रेन मिस हो गई तो पापा बिगड़ेंगे यार। समय नहीं है, चलो आ जाओ। देख ट्रेन मिस हो जाएगी, चल आजा, 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 आना। ट्रेन छूटने का वक्त हो गया है, कहाँ है माशे? क्यों परेशान होते हैं, आता ही होगा। जॉनी लीवर, जॉनी लीवर आ रहे हैं। जॉनी लीवर आ रहे हैं, जॉनी लीवर, जिंदाबाद, 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 जॉनी लीवर, जिंदाबाद। बाजी ओढ़ो, जॉनी लीवर आ रहे हैं। अरे छोड़िए, अरे हटो ना, जॉनी लीवर। अरे यार क्या है ये, कौन है आप लोग? सीट नंबर 26 जॉनी लीवर, मैं ही हूँ यार, इट्स मी यार। तो फिर जी जॉनी लीवर क्यों लिखा? जी फॉर गुटम,
गुटम जॉनी लीवर। जॉनी लीवर का गुटम से क्या रिश्ता है? तुमने उनका नाम कैसे रख लिया? जॉनी लीवर का नाम मैंने नहीं रखा है, बल्कि जॉनी लीवर ने मेरा नाम चुराया है। वो सुपर कॉमेडियन कहाँ और तुम कार्टून कहाँ? अर्जेंटली नाम बदल लो अभी। क्यों बे, 6 फुट के लंबे खम्बे, बहुत शानपति कर रहा है तू। जॉनी लीवर का नाम कब रखा गया रे? अरे 20 साल पहले रखा गया रे, और मेरा नाम मेरी माँ ने 40 साल पहले रख दिया था। अरे जाके उसे ही बोलो ना अपना नाम बदलने के लिए। जॉनी लीवर के बारे में कुछ भी बोला तो तेरा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। ट्रांसफर सीधा ऊपर। तू अपना नाम बदल दे, हट, इसको जाने दे। जाने दे, चल। बड़ा आया जॉनी लीवर। ऐसा जॉनी लीवर रहे तो क्या होगा? चलना बराबर आता नहीं और चला जॉनी लीवर बनने। आले धरती पे साला एकदम थकेला आदमी है। ए, क्या देख रहा था? मैंने कुछ नहीं देखा। झूठ मत बोल। अरे कहा ना कुछ नहीं देखा मैडम। तूने मेरी कमर को देखा? नो 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 मैडम, आई एम नॉट दैट टाइप। मैंने कुछ नहीं देखा। ए, देखा है तूने? वो बस एक ही बार देखा मैडम। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा मैडम। तो फोटो खींच लो। किस लिए मैडम? खींचो खींचो। थैंक यू मैडम। सुपर मैडम। अब क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था मुझे। अच्छा मैंने कहा और तुमने कर दिया। क्या बात है पापा, मेरा वेट कर रहे थे? मैं ही नहीं, ट्रेन भी तुम्हारा वेट कर रही है बेवकूफ। अब नाटने का टाइम नहीं है, उसे ट्रेन में बैठने दो। थैंक यू। चलता हूँ मम्मी। हाँ। बाय आंटी। चलता हूँ पापा। संभल के बेटा। कविता यहाँ। क्या है भाई? तुम्हें छेड़ने वालों की अच्छी खासी धुलाई कर दिया, कोई तुम्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। थैंक्स भैया, ऑल द बेस्ट। बाय। क्या देख रहे हो भाई? अभी गया काम से। ए, क्या देख रहा था? नथिंग मैडम। झूठ मत बोला। मैं तो खिड़की से बाहर देख रहा था। तूने मेरी कमर को देखा? नहीं बाबा नहीं देखी। इसने देखा है ना? मुझे बीच में मत घसीटो, एक तो मेरा फोन भी छीन लिया। ए, झूठ बोला ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। अरे ऐसा मैंने क्या देख लिया, और वैसे भी क्या रखा है तुम्हारी कमर में? तूने अगर मेरी कमर की बेइज्जती करी तो मैं तुझे नोच लूंगी। ए, क्या बोली, किसको तारी दे रही है? अरे छोड़ ना यार, तू उसके मुंह की लग रहा है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूं। हां तू क्या, मैं देख लूंगा तुझे। ए तू जानती नहीं कि मैं क्या चीज हूं। हां ए मैं तुम्हें देख लूंगी, अभी बताता हूं। आप छोड़िए सर, मैं तुम्हें देख लूंगी। मुझे देखेगी? आ देख मुझे। आ ना, चल ना यार, बैठ ना। तुम्हारा चेहरा देखा ना तो आई किल यू। और अगर दोबारा तुम मुझे दिखाई दी ना तो लड़की बना दूंगा। क्या कहा, तू मुझे लड़की बनाएगा? बैठ। एक लड़की को तो लड़की बनाएगा? ए तेरी तो कूल 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 मैन। या उसे सही सबक सिखाया। आई लव यू। ओके बाय दीपे। I am Johnny Lever. I am Ajay Devgan. Yeah. मजाक कर रहा है? No, serious. अच्छा, तो हैदराबाद में क्या करते हो? Software. वो तो डूब गई है ना? उसको उठाने जा रहा हूँ. अच्छा, इतनी हिम्मत है? Yeah. और आप क्या करते हैं? गुंडागर्दी का खात्मा करता हूँ मैं. इस उम्र में ये जरूरी है क्या? I want risk. I like risk. Risk, risk, risk. गुंडों का सफाया करना कोई बच्चों का खेल है क्या? गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए पहले अलाउद्दीन को खत्म करना होगा। तो क्या अलाउद्दीन हैदराबाद में है? उसे बुलवाऊंगा। कैसे? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आप बड़े कमाल के हो गुरु, इस नेक काम में आप मुझे भी शामिल कर लीजिए ना गुरु। ओके। Thank you.
बैक अप डाउन हर एंगल में तुम सुपर ब्यूटी हो यार, मुझे तो खुद पर बहुत प्यार आ रहा है। तो ये है हमारा बेहतरीन शहर। इस शहर में मेरे दादा ने राजाओं का मुकाबला किया और मेरे पिता ने नवाबों का सामना किया है। और अब गुंडों का राज चल रहा है। लोखंडवाला में राजेश, आदर्श नगर में प्रकाश कोठारे, चार मीनार में सलीम, इन सब का खात्मा करने के लिए सबसे पहले उस चमचे मंगेश को हमें रास्ते से हटाना होगा। किसी ने टक्कर लेने की कोशिश की ना तो टक्कर मार मार के सर फोड़ दूंगा। मुझे मारकर खुश मत हो, तुम्हें भी कोई मारने वाला आएगा। तुम जैसे गुंडों को खत्म करने के लिए भगवान आएगा। मंगेश कोई मारे अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मिल गया साला। कौन मिल गया गुरुजी? मंगेश। चलो चलो जल्दी चलो, हाँ, कैच हिम, चलो जल्दी चलो, अबे थकेले भगाना, रुक क्यों गए, चलना। पेट्रोल खत्म हो गया साहब। बच गया साला। साहब पैसे, साले ऑटो में पेट्रोल नहीं भरता, पैसे मांगता है, पैसे मांगता है। बच गया साला। मार डालूंगा उसको, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुस्सा क्यों हो रहे हो गुरु? गुस्से में इतना लाल पीने होने का आपका कारण क्या है? ऐसी क्या बात है गुरुजी, बताओ तो सही। वजह पूछने से पहले ये जान कि मैं कौन हूँ। तुम जो समझते हो मैं वो जॉनी लीवर नहीं हूँ। मैं हूँ जॉनी लीवर IPS। गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए, शहर से जुन को मिटाने के लिए मैं बड़ी मेहनत से IPS बना। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है गुरु। यकीन करना होगा। इस IPS का सबसे पहला टारगेट है अलाउद्दीन। पूरे इलाके में आतंक फैलाने वाले उस कमीने अलाउद्दीन को मैं चार मीनार में नंगा करके घुमा घुमा के लातों से मार मार के उसे खत्म करना चाहता था, वो भी अकेला। मैं वहां अकेला गया था। ए अलाउद्दीन, अगर तू मुझे रखता और मर्द का बच्चा है तो सामने आ। कम आउट। कहां छुपा है साला? बाहर निकल। कम आउट एंड फाइट विद मी। लेकिन सब उल्टा हो गया। अरे मत मारो मुझे, अरे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो, अरे क्या कर रहे हो, अरे मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। अलाउद्दीन के आदमियों ने असली गुटके के पैकेट का माफिया था साला वो अलाउद्दीन, और आज वो बॉस बन गया है। मेरे मिशन की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। उसने गुंडों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। गिरफ्तार करता यूं छूट जाते, जितनी रेड करता, जितना माल पकड़ता, सारी इंफॉर्मेशन से मिल जाती। इसी बात का फायदा उठाकर मलेश भाग जाता था, फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गुंडे राज को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, युद्ध का ऐलान करूंगा और अपनी जीत का शंख बजाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हैं गुरु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये मैं तेरे समझने के लिए नहीं कह रहा, अपनी इमोशनल भावनाओं को समझा रहा हूँ। यहाँ कोई हसीना बेगम नाम की लेडी रहती है, बता सकते हैं? हाँ, वो यही रहती है। उनका बेटा वेजा के में काम करता था ना, मर गया बेचारा। उसका घर कहाँ है? ये आगे गली में लेफ्ट में जाकर 89 नंबर उनका घर है। यहाँ कोई हसीना बेगम रहती है क्या? पहले तो यही रहती थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई। अब कहाँ रहती है बता सकती हैं आप? मैं नहीं जानती भाई। हेलो, पता चला क्या? नहीं चल पाया पापा, घर बदल लिया है। छोड़ना मत बेटा, ढूंढ के निकाल। वो मंगेश इसी जगह पर आने वाला है, हम यहीं से अपना युद्ध शुरू करेंगे। ये क्या है? आपने कहा था ना कि जंग शुरू होने से पहले शंख बजाऊंगा, इसलिए लेता आया हूँ। मेरे शंख बजाने का मतलब है गुंडों से जितना, जहाँ मिले वहाँ बजाना नहीं। सॉरी गुरुजी। दोबारा बच्चों जैसी हरकत मत करना। गुरुजी, मंगेश आ रहा है। एक शेर को गीदड़ से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। गुरुजी, गुंडों को आपने भेड़ बकरी का बच्चा समझा है क्या? आप अकेले उनसे मुकाबला कर पाएंगे? देख लिया ना, जो हाल इस बोतल का किया है वही हाल मैं उस कमीने मंगेश का करूंगा। आपकी बातों से तो मुझे डर लगने लगा है गुरुजी। बैठो, आई सेड सिट डाउन। ए, सुना नहीं क्या? तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, चल निकल। ए, चल। क्या रे, एरिया में नया है, चल निकल। ए, मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए आया हूँ। मैं मारूंगा तो हॉस्पिटल नहीं, सीधा कब्रिस्तान जाएगा। मैंने एक बार जो फैसला किया, अपना कदम पीछे नहीं रखता। गुरुजी, ये आवाज कैसी आ रही है? डर मत, मैं उसे ढोस दे रहा हूं। ओहो, चल निकल। कौन मारा रे? अरे तू क्यों मारा? आपके मारने से कहीं वो मर ना जाए, इसलिए गुरुजी। आप मेहरबानी करके रस संभालिए गुरुजी, मैं अर्जुन की तरह युद्ध करता हूँ। गुरुजी, थोड़ी बहुत धुलाई करूं या जी भर के मारूं इनको? शुरुआत बड़े जोरदार तरीके से होनी चाहिए, उसे चट्टी का दूध याद दिला दे, मुझे मत घसीटना। ओके गुरुजी। भाई लोग, मैं कम से कम 6 लोगों को मारता हूँ, लेकिन तुम लोग तो खाली 4 लोग हो। फोन करके और लोगों को बुला लो भाई। तेरे लिए मैं काफी हूँ। भाई कहाँ पे हो? तूने बोला था 6 आदमी को मारूंगा ना, अब मैं 20 लाया हूँ, मार के दिखा। मैंने मिनिमम 6 लोग कहा था, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। बड़ी जाले।
शहर में जॉनी लीवर और अजय देवगन की एंट्री हुई है। ठीक है, जंग छिड़ गई है, जाकर बता दे। किससे कहूं भाई? तुझे मारा है तो तुझे नहीं पता है कि किससे कहना है? आज बुधवार है, अगली बुधवार को आएंगे, उस दिन तेरा बॉस नहीं बचेगा। कम ऑन जुशीले। भाई फाइटिंग तो हो गई, अब गाना हो जाए। गुरुजी, हल्का फुल्का नाच गाना करना है या जम के हंगामा करना? हल्का फुल्का करेगा तो क्या होगा, मस्ती में कर, धमाल कर दे। ले तू मौज कर ले तू, गली गली नाच गाना यार कर ले तू, मस्ती में तू खुशी में तू जी ले यार तू, भूल जगम सारे यार ऐश कर ले तू। दिल के राजा है हम दिल जले, हमसा यहाँ कोई नहीं, मर्जी के मालिक है हम मन चले, गली गली चर्चा चली, पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में भी, अरे देख लो छाए है सारे जहां में हमी। झूम ले तू, गा भी ले तू, मौज कर ले तू, गली गली नाच गाना यार कर ले तू, मस्ती में तू खुशी में तू जी ले यार तू, भूल जगम सारे यार ऐश कर ले तू। जवा मेरे जैसा कौन यहाँ, घर से ये रूप मेरा देख यार तू, दिल है मेरा भी दीवाना, तू है मेरी जान जाना, दिल में मेरे जान जाना रह जा यार तू। पागल नारी लगता है तू, इश्क में घायल लगता है तू, मिर्ची हरी मुझे लगती है तू, भाव ऐसे खाती है क्यों, अरे जीना चार दिन जल्दी करो करो डिंग 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 डिंग, अरे प्यार करो दना दन, दिल की बजाओ रिंग 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 रिंग। झूम ले तू, गा भी ले तू, मौज कर ले तू, गली गली नाच गाना यार कर ले तू, मस्ती में तू खुशी में तू जी ले यार तू, भूल जगम सारे यार ऐश कर ले तू। थोड़ी शर्म ऐसे ना बन बेशरम, थोड़ा सबर से काम मेरे यार ले, नरम नरम गरम गरम प्यार में कैसी शर्म, इस जवानी का मजा खुल के लेंगे हम। ना कर यारा मनमानी, सामने सबकी ना जानी, नखरे ना करे ओ दीवानी, चार दिनों की है ये जवानी, अरे आग लड़ी बात बड़ी प्यार में दो चार घड़ी जी, अरे दुनिया का डर नहीं किसी की फिकर नहीं जी। झूम ले तू, गा भी ले तू, मौज कर ले तू, गली गली नाच गाना यार कर ले तू, मस्ती में तू खुशी में तू जी ले यार तू, भूल जगम सारे यार ऐश कर ले तू। दिल के राजा है हम दिल जले, हमसा यहाँ कोई नहीं, मर्जी के मालिक है हम मन चले, गली गली चर्चा चली, पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में भी, अरे देख लो छाए है सारे जहां में हमी।
शर्म नहीं आती? मार खा के लौट आए, शेर बन के गए थे, बिल्ली बन के लौट आए। किसने तुम लोगों को मारा? जॉनी लीवर, अजय देवगन। वो लोग तुम्हें क्यों मारेंगे? वो लोग तो फिल्म के हीरो है ना। हीरो नहीं है भाई, हीरो का नाम रखकर मार रहे हैं भाई। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता, हीरो का नाम रखने से कोई हीरो जैसा नहीं हो जाता। उसमें से एक ने बहुत बात किया तुम्हारे बारे में। क्या कहा उसने? युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। युद्ध? युद्ध किस लिए? ये उसने नहीं बताया भाई। अभी गाड़ी निकालो, अभी का अभी जाके डिसाइड कर लेते हैं वो या मैं। अभी वो मिलने वाले नहीं है, सिर्फ बुधवार को ही मिलते हैं। गुंडागिरी में ये बुधवार भी होता है, ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये नहीं बताया भाई। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, इसलिए इतनी मार खा के आए हो। जाओ यहाँ से। गुरुजी, युद्ध के लिए एक हफ्ता क्यों? अभी से क्यों ना पीटना शुरू कर दे? अजय, तेरे अंदर अगर जोश है तो मेरे अंदर होश है। अगली बुधवार को ये जॉनी लीवर कहां पर क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है, ये सोच सोच कर पागल 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 हो जाएगा। तब हम उस साले का गेम बजा देंगे। सोनिया, ये लोग इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं? ये सबको जॉब से निकाल रहे हैं। Why? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं तो सेफ हूँ। तुम्हें भी कोई चांस नहीं है। सर 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 सर, मुझे तो एक चांस मिलना चाहिए सर। मैं सिंगापुर से डिप्लोमा करके आई हूँ सर, सुनिए। तुमने सिंगापुर में पढ़ाई की है और मैंने बैंकॉक में पढ़ाई की है, मैडम इससे कोई लेना देना नहीं। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारे साथ अन्याय होगा सर। तुम्हारे साथ अन्याय होगा, लेकिन हमारी कंपनी का तो बैंड ही बच जाएगा। ये मेरी लाडली है, हमेशा विदेशों में रही है, यहाँ आकर बेचारी को रूखी सूखी रोटी खानी पड़ रही है। वहाँ मैं पिज्जा खाती थी, यहाँ भजिया खाना पड़ रहा है। वहाँ पर ये ठाट की जिंदगी जी रही थी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी जी रही है ना बेटा। सर हमें जो पेमेंट मिलता है उससे हमारा खर्च भी पूरा नहीं मैं हो पाता। तुम्हें लाख रुपए कहाँ दे सकता हूँ? तुम्हारे जैसे न जाने कितने बुद्धिमान डिग्री लेकर रोड पर घूम रहे हैं, उन्हीं में से एक बुद्धिमान शख्स को मैंने आज यहाँ बुलाया है। कौन है वो बुद्धिमान आदमी, बताइए? मैं हूँ। तुम हो? यस इट्स मी। हम किसी से कम नहीं है, हम साथ साथ हैं। ए मिस्टर, तुम्हें कंप्यूटर और गैस स्टोव के बारे में फर्क तो पता नहीं, तो तुम क्या काम करोगे? हाँ इस कंपनी का बंटाधार हो जाएगा। मेरे लिए वो एक बॉक्स है, मेरी उंगलियों के इशारे पर वो भी लड़कियों की तरह नाचने लगता है। मैडम तुम्हारी शक्ल से ही पता चलता है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो। बेवकूफ कहीं का। हा? बेवकूफ कहीं का, तुम तो बंदरिया से भी गई गुजरी हो। मुंह बंद करो। दूंगा एक कान के नीचे। कहुआ जा रही स्लम डॉग जा रहे मिलेनियर। जय हो। मंगेश भाई, आज कौन सा दिन है? शनिवार है भाई। मुझे तो बुधवार का इंतजार है, जब सोचता हूँ तो पैर से लेकर सर तक हिल जाता है। हमारे चाहने से बुधवार नहीं आएगा भाई, बुधवार आने तक हमें रुकना पड़ेगा, यही तो टेंशन है। ए मुझसे जो मान लगाता है तू, उसके कहने से मैं डर जाऊंगा, मैं भी दिखा दूंगा। अरे वो बुधवार कब आएगा रे? वो तो वही जाने जॉनी लीवर। अजी सुनिए, यहाँ हसीना बेगम और उनकी लड़की मुमताज रहती है क्या? मुझे नहीं पता। बोला था और अब खुद गायब हैं। पहले खुद धमकी देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छा है। भाई वो जो आइसक्रीम खा रहा है ना, येलो टी शर्ट वाला, वही है जॉनी लीवर। अच्छा तो उसके साथ जो है वो कौन है? वो कौन भाई? जो उसके साथ है। उसके साथ वाला? मेरे कान में क्या बोल रहा है, उसको बुला। अरे उसका नाम अजय देवगन है भाई, उसी ने तो मेरी अच्छी खासी धुलाई की थी। अच्छा इसने ही तुझे मारा था ना? कैसे लोग हैं ये? है मुझे धमकी देकर यहाँ बुलाते हैं और मेरे सामने भी नहीं आते हैं। अरे मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ए जॉनी लीवर, ए अजय देवगन, ए ये लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? मेरी आवाज इन तक नहीं पहुँच रही क्या? ए जॉनी लीवर, ए तुमने तो बुधवार के लिए कहा था ना, उससे पहले ही आ गया। मैं ही जेपी हूँ, मैं तुमको क्या पागल नजर आ रहा हूँ? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ए बताना उसको। ए भाई क्या बोला, सुनाई नहीं देता क्या? मार भाई को, मार। मेरा बॉडीगार्ड है, मुझे पिटवाने के लिए लाया है। उनको बोलता है मार भाई, क्या कर मार। हैं अरे भाई
एक तो आप लोग पहले से लेट आए हो, जल्दी से आ जाओ ना, मुझे बाहर में बाहर जाना है, जल्दी मारपीट कर लेते हैं। अरे ये लोग ये क्या कर रहे हैं? ये भी मेरे समझ में नहीं आया भाई। तेरी समझ में नहीं आया तो क्या करते? ए बताना उसको। अरे रे 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 वो देखो जा रहे हैं, पकड़ो उनको। ए चलो रे। अरे कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, आखिर माजरा क्या है? भाई भाई उधर अकेले हैं। चल भाग यहाँ से, चल। क्या है जॉनी लीवर, आइसक्रीम खा के रैपर मुझ पर फेंकते हो? वो तुम्हारा अजय देवगन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। घुस, चलो चलो गुरुजी, चलो। अरे मंगेश मैं ऑटो में हूँ रे। अरे ऑटो में उतर गए भाई, वो ऑटो में गए। वो ऑटो में क्यों जाएंगे? अरे तुम क्यों मार रहे हो? अबे तो तुझे पूछकर मारेंगे क्या? और नहीं तो क्या, किस लिए मार रहे हैं, समझ में तो आना चाहिए। अच्छा एक काम कर, इसे समझ में आए जैसा मार। जी गुरुजी। गाड़ी को ब्रेक क्यों लगा दी? ए गुंडागर्दी करना तेरा स्टाइल है और गुंडों को मारना हमारा स्टाइल है, दौड़ा दौड़ा के मारना तेरा स्टाइल है और ढूंढ ढूंढ के मारना हमारा स्टाइल है। इतनी बड़ी खोपड़ी में दिमाग नहीं है क्या? इसलिए भाई। अरे अपने सेल फोन से फोन करके अपने आदमियों को बुला ना यार। करता है मारना, अभी मारता हूँ गुरुजी। हेलो भाई। अबे कहाँ पर हो तुम लोग हैं? हम लोग चाय पी रहे हैं भाई। शर्म नहीं आती क्या तुझको? इधर मेरी जान पर बनी हुई है और उधर तुम चाय पी रहे हो। इधर आओ जल्दी, जल्दी आओ रे, जल्दी आओ। इस वक्त तुम कहाँ पर हो भाई? भाई मैं सेंटूर होटल के बाजू में हूँ, वहीं पर मार खा रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ भाई, भाई बुला रहे, चलो। छोड़ना मत, दबा के मार। ए, विरार से लेकर चर्चगेट तक, वीटी से लेकर कल्याण तक, एक भी गुंडा नहीं बजेगा, समझ गया ना? दोबारा आराम से पंगा मत लेना, नहीं तो मजा डालेंगे। मैं पहुंच गया भाई, तुम कहाँ पर हो भाई? अबे गधे की तुम, तेरा बॉस ऑटो में बेहोश पड़ा है आदर्श नगर में, आकर लेकर जाओ। ये है दीपिका, नई आई है। हाय। सेल्स गर्ल के काम में इंटरेस्ट रखती है, सॉफ्टवेयर के काम का भी एक्सपीरियंस रखती है। हमें कस्टमर्स को किस तरह मैनेज करना है ये सिखाने के लिए यहाँ पर आई है, समझ लो। नीच कमीने तुम यहाँ? क्या नीच कमीना मैं? नो 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 नो, प्लीज कम इन, कस्टमर को वेलकम कर रही हूँ सर। सॉरी मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक सेल्स गर्ल और आप कस्टमर, मैं क्या सेवा करूँ सर? जर्सी, बनियान, चड्डीज बताइए सर। तो सब दिखाओ चलो। वेलकम सर, देखिए ना सर। पैंट का साइज क्या है? आपके साइज का है सर। मेरा साइज तुम्हें कैसे पता? इंसान को देखते ही उसका साइज पता चल जाता है। उस पैंट के साथ ये अंडरवियर फ्री है सर। अंडरवियर फ्री है? अच्छा इसकी खासियत क्या है? पहनने के बाद पता ही नहीं चलता कि पहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एयर फ्री अंडरवियर है सर, प्लीज ट्राई कीजिए ना। अब तू देख बच्चू, मैं तेरे नंगे शरीर की तस्वीर को इंटरनेट पर डालकर बारात निकालूंगी। यहाँ पर पैंट शर्ट के साथ एक चड्डी फ्री। अच्छा सर, पर इसमें होल क्यों है? ये छेद नहीं है, वेंटिलेटर है। सो मेनी वेंटिलेटर्स। ये एयर फ्री चड्डी है, एंजॉय। थैंक यू सर। ये एयर फ्री है या होल फ्री? छी, मुझे कुछ नहीं लेना। अरे हटना यार। एयर फ्री, हाँ एयर फ्री है, मिल गया। अरे बाप रे,
ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम निकालते यहाँ पे, भागो। बीएफ, ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। ब्लू फिल्म कहाँ पर सर? एक्स्ट्रा कोई रोल होगा तो मुझे भी दीजिए। उस कमरे में कोई लड़की मेरी सेक्सी बॉडी को अपने सेलफोन से शूट कर रही थी। ए, कौन है वो? सामने आ जाओ, मेरी इज्जत बर्बाद हो गई। बेटी दीपिका आओ, लगता है ये पागल हो गया है। इस अद्भुत बॉडी को टॉप एंगल लो एंगल से इसकी तस्वीरें खींची गई हैं। क्या ये सच है? हाँ ये सच है। बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। इससे पहले आज तक किसी ने ऐसा फोटो नहीं निकाला, आज तक किसी को किस भी नहीं किया, लेकिन इसने मुझे बर्बाद कर दिया। ये फोटो अगर पब्लिक में चली गई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शांति रखो। सर मुझे पता नहीं था कि ये है, मुझे लगा वो है। तेरी इतनी हिम्मत? ए, मेरी सूरत खराब है या मेरी बॉडी खराब है या मैं खराब हूँ? बताओ बताओ। भाई साहब चिल्लाइए मत, मेरे बिजनेस पर असर पड़ेगा। कौन सा बिजनेस सर? कपड़े का बिजनेस या ब्लू फिल्म बनाने का बिजनेस? सर आप इससे डरिए मत, ये एकदम बेकार आदमी है। कॉल द पुलिस, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। आप रुकिए, कितना वेस्ट हूँ। तुम वर्स्ट हो, तुम्हारी नौकरी भी फिनिश, गेट लॉस्ट। क्या बात है, पार्टी चल रही है, वो भी चिकन बिरयानी की। किस खुशी में चल रही है, हमें नहीं बुलाया? वो सब कोलेस्ट्रॉल है भाई, ये चिकन है भाई। अरे रे 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 रे, मैं भी खा जाऊंगा सोच के डर गए थे क्या, सुअर के बच्चे। पार्टी करते हो, ये सब नहीं चलेगा। उस अजय देवगन से मुकाबला करने की तुम में से किसी में हिम्मत नहीं। उसका मुकाबला तो सिर्फ सलीम करेगा। सलीम कहाँ है? सलीम कहाँ है? सलीम भाई, जेपी भाई को कोई मारा है? क्या हुआ भाई? अब कुछ होना बाकी है क्या? बुधवार को वसूली के लिए मैंने अपने आदमियों को भेजा था, उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। मुझे इधर उधर घुमाते रहे। मैंने उनको बुलाया कि आकर तुम बैठकर बात करो, लेकिन वो मेरे कहने पर भी नहीं आए। मेरे आगे अपने कूले हिलाते रहे। पहले यहाँ पर मेरे आदमियों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन वो मेरे आगे नाचा और बैंड पे बैंड बजा रहा है। वो प्लान करता है और बैंड बजाता है। मुझे तो मारा भाई, पांच और लोगों को बुरी तरह मारा है भाई। लगा उसे, जल्दी से उसको फोन लगा। हेलो, एक मिनट। जॉनी लीवर यार। ए, सुन, मैं सलीम बोल रहा हूँ। क्या बेटा सलीम, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? ए, मेरे साथ मजाक मत कर। जेपी भाई को तूने मारा ना, अब वो मैटर मेरे हाथ में आ गया है। इतना बड़ा भाई है तो आ जा। ए, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा और बुधवार के दिन जॉनी लीवर आएगा और जॉनी लीवर उस दिन तेरी बैंड बजाएगा। ये बुधवार वाला क्या लफड़ा भाई? उसका प्लान है ऑपरेशन बुधवार। ए, बुधवार को ही क्यों? अभी कहाँ मिलना है बोल। जहाँ उसे पहले मारा था उसी जगह पर, वही जगह वही स्पॉट, ऑन वेनसडे। तुम लोगों की तो अच्छी तरह से बैंड बजा दूंगा मैं। बुधवार वेनसडे, उसकी मौत। भैया, मम्मी देखो विजय भैया आए हैं। बेटा आओ, आओ भैया। यहाँ पर कब आए बेटा? कुछ ही दिन पहले आया हूँ, आपको बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला। अली के गुजरने के बाद वहाँ रहना मुश्किल हो गया था बेटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं बेटा, नहीं नहीं, छोड़ दे, जाने दे, सब वो अल्लाह देखता है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, सब उस पे छोड़ दे। इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं माँ जी, और अल्लाह भी उनके साथ इंसाफ करने में बहुत देर लगा देता है, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता भाई। क्यों? वो पहले ही हमें बहुत मार चुका है भाई। मारा तो क्या हुआ, तू डरता है क्या?
बुधवार के दिन उसकी जान जाएगी। ए अपना प्लान बता इसको। ऐसा नहीं है भाई। खामोश। कल लड़कों का इंटरकॉम का एग्जाम है। उस इलाके में मेरे हफ्ता वसूल करने वाले लड़के घूमते रहते हैं जो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। कल होगा उनका आखिरी बुधवार। हमने ये मास्क क्यों लगाया है? तुम जो पूछ रहे हो उससे मैं डबल सोचता हूँ। वो सलीम यहाँ आने वाला नहीं है। वो अपने चमचों को भेजेगा। वो हमें पहचान ना पाए इसके लिए हमें मास्क पहनना है। हाँ, मास्क ले लो, मास्क ले लो। कुछ पता चला? भाई वो लोग अभी तक तो नहीं आए, लेकिन अगर आ गए तो उनका बचने का कोई चांस नहीं है। हाँ, मास्क ले लो, मास्क ले लो, मास्क ले लो सर। चल, चल। अरे इतने गर्म काहे को होता है। हाँ, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का मास्क ले लो। सुन, मैं सलीम बोल रहा हूँ। बुधवार आ गया, तू कहाँ है बे? सलीम का नाम सुनकर हवा निकल गई क्या? अबे सलीम, तेरा चालू दिमाग है और मेरा कंप्यूटर का दिमाग है। तेरी फोटो मेरे भेजे में है, अब तू देखते रहे मैं तेरी कैसी टनटनाटन बजाता हूँ। इतना ही बड़ा शेर फिर छुप कर क्यों बैठा है? अबे मैं तो मैदान में हूँ, मगर तू ही चूहे की तरह बिल में छुपा है। तूने कुत्तों की फौज पाल रखी है। अगर हिम्मत है तो बाहर आके दिखा डरपोक कहीं के। कम आउट। शिट भाई, वो लोग इधर ही किधर है? बचने नहीं चाहिए, किसी भी हालत में ढूंढ के निकालो उनको। उसकी तो मैं मार दूंगी तुझे। तू क्या मारेगी मुझे? चल। अरे छोड़ मुझे। रुक जा, जोश में मत आ। ए जाने ले वाला अजय देवगन, कहां पे हो तुम लोग? सामने आओ मेरे, नहीं तो इसकी गर्दन काट के इसको मार डालूंगा। Hey! सामने आओ! हेलो, वो लोग लेबर गली में घुसे हैं। तुम उस तरफ जाओ। बुधवार फट गई क्या? ए इस साले को कुत्ते की तरह मारो। सलीम, अरे सलीम, ये एक जोशीला है और मैं अंगार हूं। अगर हम दोनों मिल गए तो तुम्हें जलाकर खाक कर देंगे। इसने अच्छे अच्छों के छक्के छोड़ा दिए हैं। अजय उठ, शुरू हो जा। ऐसा मार कि अगली बार ये मुझे देख कर डरे। मुझसे कोई बच नहीं पाया है, आज तो तेरी मौत मेरे ही हाथों से होगी। रजाक, इसे मैं जानता हूं, आज हम नहीं बच पाएंगे। रजाक संभालो इसे, मारो इसे, मार डालो इसको। आए। 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 आए।
मारो उसे, मारो उसे, मारो। जान से मार दिया। अरे बाप, अजय तूने सलीम को जान से क्यों मार डाला? अपना मिशन है गुंडागर्दी को खत्म करना, मगर गुंडों को नहीं ना। तुमने अगर फ्लैशबैक नहीं बताया होता तो मैं उसी दिन लौट जाता, लेकिन उस दिन चार मीनार में तुम्हारी बेइज्जती की बात सुनने के बाद गुरुजी किसी गुंडे को नहीं छोड़ूंगा, गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ दूंगा। मेरी स्टोरी से तुम इतना इमोशनल हो गए क्या? हाँ गुरुजी। ओके ओके, कूल डाउन कूल डाउन। आई विल सी ऑल द मैटर। जॉनी लीवर जी, वो मेरे लिए इतनी बहादुरी दिखाएगा मुझे तो पता ही नहीं था। कौन? अजय देवगन। वो मेरे लिए किसी का खून भी कर सकता है, मैं ये जानती ही नहीं थी। तुझे ऐसा लग रहा है क्या? मैंने तो सोचा था मेरे लिए मर्डर किया, लेकिन ये सोच रही उसको बचाने के लिए किया। अरे यार ये क्या झमेला है। मेरे दिल में उसकी जगह फिक्स हो गई है, वो सही में जोशीला है। He's my he-man. मेरे प्यार सोने तुझे चांद की रानी, मेरे प्यार सोने तुझे चांद की रानी, तेरी याद आया मेरे नींद चुराया, तेरी याद आया मेरे नींद चुराया। डूब जा, अरे डूब जा, डूब जा, डूब जा।
जन्नत मैं इश्क की इश्क है रूप रब का जन्नत गलिया इश्क की करूँ मैं सजदा इश्क का इश्क की दौलत है देखी इश्क ही इमा देता इश्क ही चाहत है देखी इश्क रहनुमा देता क्या तुम लड़की के गेटअप में? मैं तो पहले से ही लड़की हूँ, लेकिन तुमने ही मुझे उस नजर से नहीं देखा। जरूरी नहीं है कि लड़कियाँ जीन्स और पैंट पहनकर ही अच्छी लगे। जानती हूँ, एक लड़की को लड़की की तरह ही रहना चाहिए। अब जाकर मुझे समझ में आया है, लड़की को देखकर किसी को भी प्यार आना चाहिए। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अब मैं लड़की बन गई हूँ ना, और मैं तुमसे एक बात भी कहना चाहती हूँ। वो क्या? आई लव यू। सॉरी, मैंने तुम्हारे दिल की बात तो जानने की कोशिश ही नहीं की। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। जो मारने के लिए कह के गया था वो खुद मर के आ गया है। अब अलाउद्दीन हमारा क्या हाल करेगा यहाँ के? सलीम, मेरे भाई, मुझे ए, कौन है वो? क्यों गुरुजी, डर लग रहा है क्या? क्या डर? छे, जिस दिन फाइट फिक्स हुआ उस दिन डेथ भी फिक्स हुआ, मुझे काहे का डर?
हेलो ए जॉनी लीवर, कौन है तू, कहां से आया है? मैं खुद को ज्वालामुखी समझता हूँ और मेरा मकसद गुंडागर्दी को खत्म करना है। ये अलाउद्दीन गुंडों का अड्डा रखता है, चाहे अड्डा हो या कोई खड्डा। जेपी के बाद सलीम, सलीम के बाद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के बाद तेरी कोई भी नाजायज औलाद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको चुन चुन के खत्म कर दूंगा। ए, अबे तू किधर है बता मुझे। मैं अपने घर में ही हूँ कुत्ते। अबे घर से क्या बोलता है, तू इस धरती में कहाँ पर है बता मुझे। तू अलाउद्दीन है तो क्या हुआ, मुझे देखने के लिए तुझे बुधवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। ए अलाउद्दीन, ए अलाउद्दीन, रोड नंबर 36, रोड नंबर 36, लॉट नंबर 72, लॉट नंबर 72, गांधीनगर में हूँ मैं, गांधीनगर में हूँ मैं, मर्द का बच्चा है तो आजा, मर्द का बच्चा है तो आजा। मैं अपने गुरु के साथ यहीं मिलूंगा। अरे भाई अपना प्लान बुधवार का था ना, तो उसे आज ही क्यों बुलाया? हम यहाँ अलाउद्दीन के लिए आए हैं गुरुजी, तो उसके लिए एक हफ्ता इंतजार क्यों किया जाए? अलाउद्दीन आ गया है, अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ। अबे अलाउद्दीन, तुझ जैसे गुंडे को खत्म करने के लिए ही मैं इस शहर में आया हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, दो लोग हैं हम, जॉनी लीवर और अजय देवगन, बजा डालेंगे तेरी। बोल बे, तुझे शहर में कहां ले जाकर मारू मैं, आदर्श नगर के सिग्नल पर या लोखंडवाला के ब्रिज पर या मालवनी के बीच मैदान में या धारावी की खाड़ी में? कमान बोलना, कहां मारू तुझे, कमान कमान टेल मी। अबे भौंक बे कुत्ते, बड़ा जोरदार मारा रे। कुत्ते को कुत्ता बोला तो उसे गुस्सा क्यों आया रे? क्या जरूरत थी फालतू बात करने की, अगर पहले ही मालूम होता तो क्यों बोलता? अबे ओए, ये तेरी जबान नहीं बोल रही है, कोई और बोल रहा है। मैं ही हूँ सर। बता मुझे बता, ये तू नहीं बोल रहा, तुझसे कोई और बुलवा रहा है? हाँ सर, लेकिन उसका गुरु मैं ही हूँ सर। तो ठीक है, बुला उसको। अजय देवगन, ए अलाउद्दीन, मैं तेरे लिए इस शहर में आया हूँ, तेरे लोगों को मारने वाला मैं हूँ और मौत के घाट उतारने वाला भी मैं ही हूँ। बाप रे, मतलब तू गुंडागर्दी खत्म करने के लिए नहीं आया था, अपने पर्सनल काम से आकर तूने मुझे बेवकूफ बनाया। उस भगवान ने तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, इसलिए मैं इस शहर में आया हूँ। Oh!
मुझे कहाँ लेकर आ गए तुम? कौन हो तुम लोग? सामने आओ। ए! मैंने कहा सामने आओ। मार डाल इसको, छोड़ना मत, मार इसको। ए, कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? कहां है वो? याद कर समुंदर का किनारा। किरण वैली। कहाँ है किरण रेडी? कहाँ है किरण रेडी? तो तू किरण रेडी के लिए आया है? बता। निकम्मे लोग, अलादीन को उठा कर ले गया। तुम लोग क्या कर रहे थे? अरे भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या कर रहा था वहाँ पे? तो लड़ने गया ही नहीं। क्यों नहीं गया तू बता मुझे? भाई सुनो तो, क्या कर रहा था वहाँ पे? सुनो, इसमें मैं क्या करता भाई? वो अजय देवगन उठा के लेके गया इस जॉनी लीवर के कहने पर। जॉनी लीवर? हाँ सर। हे भगवान सर, मुझे नहीं पता सर, मैं तो गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए आया था सर। बस गुंडागर्दी को? हाँ। तुम खत्म करना चाहते हो? हाँ सर। तो करो, करो ना। सर इम्पॉसिबल सर, गुंडागर्दी बहुत स्ट्रांग हो गई है सर। मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गांव जाके खेती बाड़ी करके गुजारा कर लूंगा सर। तुझे छोड़ दूं मैं? हाँ। लेकिन उससे पहले, हाँ, ये अजय देवगन आखिर है? हाँ। कौन ये मुझे बता। क्या सर, बच्चे की जान लेकर रहोगे क्या? उस अजय देवगन से मेरा रिश्ता ही कट हो गया है सर। कट हो गया है क्या? तेरा फोन बज रहा है। हेलो गुरुजी, मैंने अलाउद्दीन को किडनैप कर लिया है। आप पर भी कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए होशियार रहिए। अब क्या होशियार रहूं यार, मैं ऑलरेडी किडनैप हो चुका हूं। अरे ये लोग तो मुझे मुतने भी नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? मोबाइल का स्पीकर ऑन कीजिए। करता हूं। सुनो जेपी, अलाउद्दीन का किडनैप करने के लिए मेरे गुरुजी ने बहुत मदद की है। क्या ये बात बोलने के लिए तूने स्पीकर ऑन करवाया? मेरे गुरुजी को एक खरोच भी आई तो अलाउद्दीन नहीं बचेगा। गुरुजी फिकर मत कीजिए, आप बहुत जल्दी मेरे पास पहुंच जाएंगे। हाँ? फिर तेरे पास आऊं? अरे दोबारा तेरे पास आकर क्या करूं? अरे मुझे बताओ, अलाउद्दीन को किडनैप करके उसने कहाँ रखा है? अब उसे किडनैप करके कहाँ रखा है मैं क्या जानू सर। इसे गोदाम में बंद कर दो। शादी से पहले दो फैमिली का मिलना जरूरी है, या फिर एक लड़की को लड़के से प्यार होना चाहिए, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हारे पास 100 रुपीज है? तो फिर एक मिनट के लिए बाइक से उतर जाओ। ओके 1 मिनट। ओके स्माइल, थोड़ा स्टाइल से यार, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, स्माइल। लगता है पहले लड़की को देख के स्माइल नहीं किया होगा। डन। थैंक यू वेरी मच। ये लो, मुझे नहीं उसे थैंक यू कहना।
मैं चलती हूँ। कौन है ये? तुम ही हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, एडजस्ट कर लो यार। अरे बापे, क्या लड़की है ये तो? ए, तुम्हारा नाम क्या है बताती तो जाओ, तुम कहाँ रहती हो? मुझे पहचाना? तुम्हें पहचानने के लिए तुमको अमिताभ अभिषेक हो गया? जल्दी करो प्यारे लाल, जाओ जल्दी करो, चोर मेरा बाइक लेके चला गया। जाओ जाओ जल्दी पकड़ो, क्या तेज चलाओ, क्या कर रहे हो तुम? इतने धीरे जाएंगे तो उसे कैसे पकड़ेंगे? पेट्रोल कम है क्या? कैसे चला रहे हो? गाड़ी है या बैलगाड़ी? वो देखो चला गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बाइक तो घटा रहे, तुम भी घटा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देख क्या रहे हो तुम, टुकुर टुकुर सुनाई दे रहे हो तुम्हें? बाइक चली गई मेरी, रुको वापस आओ मेरी बाइक। चोर कहीं का लेके गया मेरी बाइक। ओ गॉड, मैं क्या करूं? तेरी तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हेलो गुलाब जामुन, क्या है तुम्हारे घर का एड्रेस? क्या है? किस लिए? स्कूटी मिल गई तो पहुंचाने के लिए। मेरा हॉस्पिटल हार्ट सर्जन। और तुम्हारा नाम? हा? राज लक्ष्मी अय्यर। हॉस्पिटल में हमेशा पेशेंट देखने आते हैं और हम यहाँ पर लड़की देखने आए हैं। जगह देखना नहीं, लड़की देखना इम्पोर्टेंट है। अरे सुने सुने, मैं बात करूँ क्या? चुप करना। एक्सक्यूज मी, हार्ट सर्जन राजलक्ष्मी कहाँ है? थिएटर में है। फिल्म थिएटर में है? वो बनकर फिल्म थिएटर नहीं, ऑपरेशन थिएटर। आप वेट करना, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। धन्यवाद। पापा वो आ रही है, कोई गलत बात मत कह देना। She is very cute, you know? Okay, madam. Madam आ रही है। मर गया। Heart special. तुम ही हमको मिलने आया था ना? नहीं नहीं नहीं, ये। कैसी है? बहुत सॉलिड है यार। इस सॉलिड को देख के ही तो मैं फ्लैट हो गया था यार। पापा आपको कैसी लगी? तू जिसे गुलाब का फूल कह रहा था वो तो बुलडोजर है बेटा। बुलडोजर है? सॉलिड बोला था ना, अब क्यों डर गया? मदरिंदा नमस्ते, फादरिंदा आशीर्वाद। ठीक है तकलीफ मत करो, झुको मत, कुछ भी हो तुम मेरे बेटे की पसंद हो। चलो यहाँ से, अब तुम लोग आपस में बात करो, हम लोग बाहर वेट करते हैं। चलो बात करना, तुझे की संगत पसंद आई, खैर एंजॉय कर। ए बात करना बात करना, दीदी तो डरता क्यों है यार, जब प्यार किया तो डरता क्या, बता ना। सुनिए मैडम, आपके कोई बच्चे वगैरह है क्या? मेरा कोई नहीं, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैं तुम्हें कैसी लगी? मैडम आप मेरे लिए बहुत भारी है, प्लीज मैडम मुझे छोड़िए। वेलकम टू रेडियो मिर्ची 98.3 FM, ये बहुत हॉट है गुरु, एंड आई एम योर हार्ट बीट किरण वेनी, किरण किरण किरण। हाय सुनीता, क्या कहा? तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने सिम कार्ड देकर सेलफोन खरीदने के लिए कहा? वेरी फनी। ओके लिसन, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू शेयर विद यू। ए जिस लड़की को मैंने देखा, अगर तुमने देखा होता तो अंधे हो जाते तुम लोग। एक लड़का बाइक में स्पीड में आ रहा था, स्टॉप स्टॉप बोलने पर उसने सडन ब्रेक मार दी और फूलों की गाड़ी को ठोक दिया। फिर क्या, सारे फूल मुझ पर गिर गए, और जिसकी गाड़ी थी उसने उसे इतना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। और कहानी यहाँ पर नहीं रुकती, पता है क्या हुआ? Guess what? I asked him 100 rupees and he gave me 500 rupees. और उस 500 rupees से मैंने एक old lady की मदद की. So उस मदद लेने वाली के लिए और मदद करने वाले के लिए हम एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे. तो ये beautiful song dedicated होता है वो दो खास लोगों के लिए. Enjoy it. Yes, I got it. Excuse me. हाँ? यहाँ कोई राजलक्ष्मी है क्या? जहाँ तक मैं जानती हूँ इस नाम का यहाँ पर कोई नहीं है. नहीं है. Hello, hello. राजलक्ष्मी जी, ए ए ए ए, राजलक्ष्मी जी क्या है? क्या कर दिया राजलक्ष्मी जी? क्या किया मैंने? क्या किया तुमने? तुमने कहा था तुम हार्ट स्पेशलिस्ट हो, मैं मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ बहुत मोटी राजलक्ष्मी मिली, उसे देखकर पापा का हार्ट अटैक होने वाला था, पता है? हाँ, मुझसे मिलने के लिए? हाँ, क्यों? हाँ, वो इसलिए कि मैं आई लव यू। व्हाट? प्यार करने के लिए दो दोनों का मिलना जरूरी है, और शादी से पहले दो फैमिलियों का मिलना जरूरी है। शादी से पहले दो फैमिली का मिलना जरूरी है, या फिर एक लड़की को लड़के से प्यार होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। करेक्ट, देखते ही प्यार नहीं होता, मिलते मिलते प्यार होता है। एक बार मेरे साथ चलो ना घर पे। हा? तुम मुझे पसंद नहीं हो प्यारे लाल। राजलक्ष्मी जी, गो गो,
उसका नाम राजलक्ष्मी नहीं है तो क्या? उसका तो बहुत खूबसूरत नाम है। उसका नाम है किरण वेणी। ओफो, तेरी तो क्यों बताया तुमने? किरण वेणी खूबसूरत नाम है। तुम्हारा नाम मैंने दिल में उतार लिया है। आई लव यू किरण वेणी। कितनी मेहनत से फूल लेकर आया था मैं। जाओ यहाँ से। मेरा गुस्सा फूल पर क्यों उतारा? लगता है रात भर मेरी यादों में खोई रही। तुम जैसे इडियट्स को मैं याद नहीं करती। All idiots are sincere lover, है ना friend? ए, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तुम्हारा सर और पैर दोनों समझ गया। समझे? मुझे डर लग रहा है, इसीलिए तो किरण वेणी को अपना दिल दिया है मैंने। यू प्यारे लाल। ओ किरण वेणी, I love you। हे भगवान। Yes, I'm crazy, but you are lazy. What? What क्या यार? तुम ऐसा क्यों कर रही हो बताओ? बड़ा सा सर, छोटी छोटी आँखें, मोटी कमर और पतली सी नाक। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे प्यार करने लायक हूँ कि नहीं? बताओ बताओ। ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई अजूबा देख लिया हो? तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। ये बात है, अब इसे समझाओ यार। अरे लंबी बात मत करो, शॉर्ट बात करो। प्रेम कर। ओ कुड़िये प्यार करो। ओ शट अप, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि मैं अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पिताजी जिससे कहेंगे उससे शादी कर लोगी? शराबी से भी कहेंगे तो भी कर लूंगी। हटो यहाँ से। ओ वाह, रास्ता रोकने के बहाने कम से कम तुझको छुआ। कौन हो बेटा तुम? आप मुझे नहीं जानते सर। यही बताने के लिए बेल बजाई? थोड़ा समय दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। मेरा नाम विजय। हाँ पता चल गया, तुम अंदर आ सकते हो। ये लोग भी तुम्हारे साथ है, आइए। हाँ चल। क्रैक मेरी घरवाली। नमस्ते। ए, उठो, 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 कौन ये इसका विकनेश है। हाँ तो बताइए क्या बात है? रो मत, रो मत, शांत हो जा। Why are you crying? लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या बुरा हुआ बताओ? बात ये है सर कि मैं रास्ते में एक लड़की से टकरा गया था। ओके। मैं दोबारा उस लड़की से टकराया सर। एक ही शहर में बार बार मुलाकात हो सकता है? नेचुरल है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट नेचुरल बात बता रहा हूँ, जिस लड़की से टकराया उसका नाम किरण वेणी है सर। मेरी बेटी को तू पसंद आया? यहीं से शुरू हुआ था मेरा आपकी लड़की के साथ ट्विस्ट सर। ये ट्विस्ट क्या है? मैंने आपकी लड़की से कहा सर। क्या कहा? तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो उसने मना कर दिया सर। किस लिए? उसने कहा कि मेरी सूरत अच्छी नहीं है। हाँ? मैं बिल्कुल मावाली लगता हूँ, उसने ऐसा कहा सर। ये कहकर उसने मुझे लूट लिया सर। क्यों? उसे देख देख कर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था सर। विजय असली बात तो बता दे यार। स्टार्ट द सेकंड पार्ट। हम दोनों के बीच में जो प्यार हुआ सब कुछ हो गया सर। सब कुछ हो गया? सब कुछ का मतलब? आपको सब कुछ का मतलब नहीं पता? बिना बताए पता कैसे चलेगा? लड़का लड़की दोनों धपा धप धपा धप, ये मैटर है। अरे इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। क्या हुआ है? यही बात। जब से तुम ट्विस्ट ट्विस्ट कह रहे थे, ये ट्विस्ट था क्या? तुम क्यों रो रहे हो बेटा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बताओ, हम जाकर वहाँ रोएंगे। बताओ क्या बात है? बात बहुत सीरियस है। बात हमेशा सीरियस ही होती है, असली बात क्या है वो बताइए। कुछ दिनों से मेरी लड़की और आपका लड़का एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। क्या? प्यार के बीच का जो पवित्र संबंध होता है वो सब कुछ हो चुका है। उन्हें बताइए। मेरी लड़की और आपके लड़के ने अपनी इज्जत को न्यूज़पेपर को फाड़ते हैं ऐसा फाड़ दिया है। अब आपका लड़का मेरी बेटी के बगैर जी नहीं पाएगा। आप क्या बात कहना चाह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बात तुम्हारे समझ में आ गई ना बहन? समझ में आ गई। वही इनको समझा दीजिए। अरे तेरी समझ में क्या आ गया रे? कान में बता। बता। अबे आवारा, उधर आवारगी इधर शराफत, ये तूने क्या किया है? मुझे सीधे से आके तू सब कुछ बता नहीं सकता था क्या? ऐसा कुछ नहीं। गला दबा दूंगा। एक्सक्यूज मी। पहला पहला प्यार है, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है। ये हिंदी फिल्मों के नाम मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। तुम फिल्म नहीं देखते? नहीं। तुम देखती हो बहन, इन्हें समझाओ। हम अपने लड़के की इनकी लड़की से शादी कर देते हैं। ये बात है। पापा ये लोग कौन है? विजय के पापा है, माँ है और ये बहन है। विजय के बारे में हम लोग बात करने आए थे बेटा। वो बात कोई मायने नहीं रखती। ऐसे छोटी छोटी बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अंकल। देखो बेटी, शादी से पहले ये सब करना गलत बात है। आंटी इन सब बातों के लिए मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। किरण बेटी, ये दो परिवार की इज्जत का सवाल है। माँ ये सब फालतू बातों पर तुम बिल्कुल ध्यान मत दो। ये क्या कह रही हो बेटी, ये बहुत सीरियस बात है। बातें बातें बातें, ऐसी कौन सी बातें हैं? काफी देर से सुन रही हूँ, आप लोगों ने घर को अदालत बना दिया है। ऐसी बात नहीं है भाभी,
ये बात है। ओ, मेरे बारे में ऐसे कहा? ए, विजय! सॉरी। यस। बाप रे, लगता है मैडम को सब कुछ पता चल गया। रुको, इधर आओ। भाग ले बेटा। कुछ नहीं कह रही हूँ, इधर आओ। विजय, तुम्हें मार डालूंगी। सॉरी 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 प्लीज। मेरे साथ तुमने कुछ गलत किया पिताजी, ने तुमने ऐसा बताया। तुम मेरी बात तो सुनो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, इधर आओ। मार डालूंगी। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। क्या कर रहे हो? पहले मार मुझे। क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कहा तुमने? किरण वेणी, मेरी बात तो सुनो। छोड़ मुझे, मैंने कहा। आई लव यू किरण वेणी, आई लव यू। मैं कह रहा हूँ ना, आई लव यू। मैंने कहा छोड़ मुझे। मैं बार बार क्यों सोच रही हूं? कहीं मैं उसे प्यार करने तो नहीं लगी हूं? यू इडियट। जलवा तो दिल मेरा, सीने में जोर से धड़का धड़का धड़का, मेरे तन में शोला सा भड़का, जो ऐसे तूने मुझे इन बाहों में जकड़ा। दे कुड़ी तू पाती मेरी जान, लेकिन बंटे रानी होता है इश्क में। मान लो देखो ये दिल की है बातें, लव का सॉन्ग गालो बस एक बार दिल से। धड़का धड़का मेरे तन में शोला सा भड़का, जो ऐसे तूने मुझे इन बाहों में जकड़ा। जान जहाँ जान ले, ये दिन है चार मस्ती के, क्या पता ये समा कल मिले न मिले। माहिया तू मुझे जी भर के प्यार कर ले, बाहों में आने को दिल मेरा मचले। तू भी जी ले लव की जिंदगी, तू इश्क कर ले कर ले। हो चढ़ने लगा है जैसे नशा मेरे तन पे मन पे। सोचो न आगे जाने अब क्या होगा, होगा वही जो मंजूर देखो होगा। जाने जा प्यार में गर मुझे तू सताएगा, उम्र भर भूले ना ऐसी सजा तू पाएगा। छोड़ूंगा ना तुझे मैं जहाँ, ये सारा छोड़ूंगा तोड़ूंगा रिश्ते सब, ना दिल तेरा तोड़ूंगा। ना तेरी खता ना मेरा गुनाह, ये दिल के है सौ लफड़े। ले दिल मेरा दे दिल अपना, अब बंद करे सब झगड़े। होंगे मैं जाने मरहा तुझ पे यूं कुर्बान, होंगे ना हम कभी जीवन में अब जुदा।
जलवा 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 ये हुस्न का देखा जलवा तो दिल मेरा सीने में जोर से धड़का भड़का भड़का मेरे तन में शोला सा भड़का जो ऐसे तूने मुझे इन बाहों में जकड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी बहन ने राखी भिजवाई है यार। बहन तेरी अकेली की नहीं, हम सब की है। बोला एकदम। अली भैया, अरे बाप रे, यहाँ गई। हाथ तो छोड़ यार, राखी बांधने आई हूँ। राखी और कोई नहीं बांध सकता, सिर्फ बहन बांधती है। ठीक है। तो सच में मेरी बहन की जैसी लगती है। थैंक यू भैया। भैया गिफ्ट कहाँ है? मैंने तुम्हें राखी बांधी ना। नेक्स्ट टाइम और अच्छी गिफ्ट दूंगा। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे यार तू भी कुछ देना, तेरे जेब में 500 है ना, देना। बोतल नहीं खोलेगी वो, बाद में देखेंगे, पहले दे दे। ये लो बहना। ए विजय कहाँ है? कहीं उसे भी राखी बांध के पैसा तो नहीं वसूलना चाहती? हाँ हाँ विजय, विजय हमको नहीं पता विजय। राखी बांधने के लिए नहीं, इस दुनिया में सिर्फ वो एक ही आदमी है जिसे मैं प्यार करती हूँ, और यही बात तुम्हारे दोस्त को बतानी है। बाय। हेलो, मैं किरण वेणी। किरण वेणी, तुमसे कुछ कहना है। मुझसे कुछ कहना है? बोलो। फर्स्ट टाइम तुम और मैं जहाँ मिले थे उसी जगह पर आ जाना, तुम्हारी पसंद की बात वही कह दूंगी। यस यस यस। ए ए ए, अंदर है क्या? दिखता नहीं है? सलीम भाई, सलाम भाई। क्या बे अली, हैदराबाद छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आना पड़ता है ना भाई। अच्छा, आप किस काम से है? खत्म करना है या सेटल करना है? तुमने कहीं से देखा? नहीं भाई, नहीं पता। वैसे मैं शहर के हर गली, हर चप्पे, हर मोहल्ले से वाकिफ हूँ, लेकिन इस लड़की को कभी नहीं देखा। नहीं रे, वो यहीं पर है। लड़की को कहीं तुमने देखा? कौन हो तुम लोग? ए गाड़ी में डालो इसे। छोड़ दो मुझे। ए कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ए चल चल छोड़ो मुझे। ए चल, मैं कहती हूं छोड़ो। Thank you.
को छोड़ो, ए मार मत। कौन हो तुम लोग? सलीम भाई, 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 छोड़ दो भाई। ए हट। सलीम भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, छोड़ दो। झूठ बोला रे तूने मुझे, तू भी मारा जाएगा। भाग यहाँ से। सलीम भाई, नहीं नहीं भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई। छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, से छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। इसको तो छोड़ दो भाई। मैनी रेडियो स्टेशन में चौकी का काम करती है, बस ये जानते हो। मगर उस कृष्ण मैनी ने क्या काम किया है पता है तुम लोगों को? पता है? को लगा कि मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन उसकी तो मौत ही हो गई। जानते हो जो मर चुका है वो भैरव का बेटा है। भाई का नाम सुनते ही पूरा इलाका हिल जाता है। इस इलाके में मैं जो बोलता हूँ वही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा इलाका शमशान हो जाएगा। उसने किरण वेनी को क्यों किडनैप किया जानते हो? जानते हो? आ!
तुम क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे को मारने वाली वो किरण मैनी नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, वो बचना चाहिए। उसके साथ शादी करके मरे हुए बेटे को पुनर्जीवित करूंगा। तो फिर जमीन में हो या आसमान में, कहीं भी छुपाओ, तुम्हारे दुश्मन को लाकर हम तुम्हारे पैरों में डाल देंगे। मेरा बेटा जिस दिन मरा था उसी दिन मेरी और उसकी शादी होगी और उसकी नरक यातना शुरू होगी। अगले हफ्ते भाई और किरण मैनी की शादी होगी। अगर तू मर्द है, मर्द है तो जाके उस किरण मैनी को बचा ले। अल्लाउद्दीन भाई, हे अलाउद्दीन, हे अलाउद्दीन, हे हे, कौन है जिसने मारा? हेलो अलाउद्दीन, मिल गया करके खुशी मना रहे हो? वारंगल के पूरे इलाके में भैरव का मातम छा जाएगा। कौन है बेटू? अजय देवगन। हाँ चीचा जी, कोई अजय देवगन बोल रहा है? बोल रहा है कि वारंगल में मातम छा दूंगा। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। अलाउद्दीन को जिसने मारा उसे पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूँ अंकल। ए रघु, चीचा जी ये इधर ही रहेगा। हाँ ये यही रहेगा। क्या हाल है जॉनी लीवर? हाँ, मसाला डोसा खा रहे हो? हाँ सर, बहुत अच्छा है, आप खाएंगे क्या? मुझे नहीं खाना है, वो अलादीन, वो अजय देवगन सब लोग वारंगल में हैं, हमें भी वहीं चलना। किसने बताया सर? भैरव भाई ने खुद मुझको फोन करके बताया है। वो लोग यूँ ही कहते हैं सर, आप पहले नादान है इसलिए वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, किसी की भी बातों पर भरोसा करते हैं, वो लोग अच्छे नहीं है सर। तेरी सारी चाले मैं समझ रहा हूँ, चल चल चल। किरण भागेगी तो चल चल अंदर चल चल, छोड़ो मुझे। किधर जा रहा है बेटा? रेडियो मिर्ची 98.3 FM, ये बहुत हॉट है गुरु। मैं हूँ ना। अबे क्या मैं हूँ? रेडियो मिर्ची है भाई। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार। ये आप मुझे कहाँ ले आए? अरे बाप रे, मुझ जैसे बुद्धिमान की बातें आप कहाँ समझेंगे सर? वही तो, अजय देवगन यहाँ पर कहाँ है सर, बताइए। जान से मार दूंगा, चुपचाप मुंह दबा के ऐसे चल। पहले आप दबा के जाइए ना सर। आए बड़े आजा मेरे भाई, आजा। मेरे भाई कैसे हो? अच्छा हूँ। आई एम जॉनी लीवर। अच्छा, आई एम जॉनी वॉकर। ये कौन? अजय देवगन का रूममेट है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों लोगों ने गुंडागिरी का सफाया करने का बीड़ा उठाया। मैंने तो बीच में छोड़ दिया सर, वो अजय देवगन कंटिन्यू कर रहा है। चुप, अलाउद्दीन कहाँ है ये बता। उसको किडनैप किया था अजय देवगन ने, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? ए विजय भाई बुला रहे हैं। सर ये यही रहता है, मुझे नहीं पता था सर। ए अजय देवगन,
हाय अंकल, बुलाए अजय, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे अजय? आई एम विजय। ओ, इस शहर में आकर अपना नाम चेंज कर लिया क्या? नाम बदलने की मुझे क्या जरूरत है? अंकल मैं विजय हूँ। अबे मैं तेरा गुरु भूल गया, मेरी आंखों में देखकर बात कर। क्यों मिलाऊं मैं तुम्हारे साथ? हाँ, क्या तुम कोई ऐश्वर्या राय हो? Who is this अंकल? Very irritating। मैं कह रहा हूँ मैं विजय हूँ तो ये मानता क्यों नहीं है? तू विजय कब से हो गया? तू तो अजय देवगन है। अजय देवगन? वो कौन है? अजय देवगन तू ही है। देखिए अंकल, अजय देवगन होता तो अलाउद्दीन को किडनैप करके आपसे डबल पैसे वसूल कर सकता था, और अगर ज्यादा गुस्सा आता तो उसे मार भी सकता था। उसे लाकर आपको क्यों देता? नहीं, ये सच नहीं। मेरा यकीन करो। ऑर्डर ऑर्डर, मुझे पक्का यकीन है ये अजय देवगन नहीं बल्कि विजय है। मैं केस यही खत्म कर रहा हूँ। वो जो कह रहा है, अलाउद्दीन के होश में आने तक वेट करेंगे। सर आप दोनों आपस में निपट लीजिए, मैं गांव में जाके कुछ भी काम कर लूंगा। अलाउद्दीन के होश में आने तक यहाँ से कोई परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। क्या बे जॉनी ली, और गांव जाके तू क्या करेगा? इडली बेचूंगा। इडली बेचेगा? हाँ सर, सुबह के टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता इसलिए इडली बेचूंगा, समझ गए ना? ये इडली की जगह पूरी चपाती क्यों नहीं बेचता है? वो धंधा तुम कर लेना। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ए तू अजय देवगन ही है, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हो ना? हाँ गुरुजी, लेकिन मैं एक मकसद के लिए शहर में गुंडागर्दी खत्म कर रहा हूँ। हाँ छोड़ना मत, मारना। हाँ क्या कर रहे हो यहाँ पर? अलाउद्दीन जल्दी होश में आ जाए इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ प्रार्थना कर रहे हैं। सुनो जी। अरे तो आ यार, चल। कैसी लग रही है ये नई दुल्हन? क्या बताऊं भाभी, राजा महाराजों की महारानी जैसी बहुत बढ़िया लग रही है। आप इस लड़की से शादी कर रहे हो, इससे कोई दुश्मनी है क्या? इससे मैं बच्चा पैदा करूंगा। बच्चा पैदा करने के लिए इसी लड़की की क्या जरूरत है? तुम्हारी बीवी तो है ना? मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ भाई नहीं कहा। को अगर गुस्सा आ गया ना तो धरती भी हिलने लगेगी। ए, कैसी लगेगी अपनी शादी? ये शादी नहीं हो सकती। ए! बोलने दे। मुझे एक लड़के से प्यार हुआ है, वो भी मुझे बहुत चाहता है। अब तक मैंने तुम्हें उसका नाम नहीं बताया ना, अजय देवगन। भाई उसको यूं ही अपने आप में बड़बड़ाने दो यार, अलाउद्दीन को होश में तो आ जाने दो, तब सारा फैसला हो जाएगा। अंदर बाहर बाहर अंदर, चलो बाहर। कैसा लगा जॉनी, भैरव भाई का आइडिया? बहुत ही घटिया था सर। क्या कहा? अब मुझे एक बात बताइए, अगर भैरव ने मानो की बड़ी मुश्किल से एक बच्ची को पैदा किया, अगर वो लड़की हुई तो फिर पैदा करेगा? फिर से लड़की हुई तो फिर पैदा करेगा? कितनी बार पैदा करेगा सर? उसकी उम्र तो देखिए, उसकी हालत क्या होगी। बे मतलब बात मत कीजिए, वैसे एक बात तो पक्की है, वो लड़का उस लड़की को भगा कर ले जाएगा, मुझे तो उस पर पक्का यकीन है। मार डालूंगा तुझे। आएगा सपनों का राजकुमार, आज आएगा सपनों का राजकुमार। देखा सिचुएशन कैसा आ रहा है। तारीफ करूं क्या तेरी, तू लगती है रूप की रानी। पहली पसंद मेरी, ये दिल का राजा जाने। करूं क्या तेरी, तू लगती है रूप की रानी। पहली पसंद तू मेरी, मेरे दिल का है राजा जाने। तारीफ करूं क्या तेरी, तू लगती है रूप की रानी। पहली पसंद तू मेरी, मेरे दिल का है राजा जाने। चांद का है टुकड़ा जन्नती परी तू, हुस्न शबाब की दौलत से भरी तू। बेमिसाल लाजवाब कुड़ी है तू, कमाल शौक जवां हंसी कर ले प्यार तू। मेरे नाल शहर में है तेरा हल्ला, रूप है वह तेरा बल्ला। तेरा भी जवाब नहीं माहिया, तेरे पर वह तुझे बेचानिया। तारीफ
सुन सुन रूप का जादू मेरे दिल को करे बेकाबू। दिल चीर के शहर में है तेरा हल्ला, रूप है वह तेरा बल्ला। मेरा भी जवाब नहीं माहिया, दिल भर बहे तो चटे कनिया। आएगा सपनों का राजकुमार, आज आएगा सपनों का राजकुमार। शादी तय हो गई है। अब लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहा है, जल्दी बैठिए। अरे बैठिए ना, ये टॉवल हटाइए, बॉडी दिखाइए, बैठिए। अच्छे लग रहे हैं अंकल, जो भी पीठ घिसेगा अच्छी तरह घिसेगा। हाँ अरे भैरव भाई को नहाने में मजा आ रहा है क्योंकि उनके चारों तरफ गुलाब ही गुलाब है। गुलाब अपन भी दारू पी लेते, ऐसा मौका वापस थोड़ी मिलने वाला है। तुम्हें जानी लीवर बुला रहा है। किस लिए? अरे मुझे क्या पता कि वो किस लिए बुला रहा है, खुद जाके पूछ लो ना। क्यों रे, आज तेरा रंग कुछ बदला हुआ है, पी ली क्या? अरे यार ये तो तूने पूरा खत्म कर दिया। पी लिया रे, अब क्या करेगा तू? हाथ किस पे उठा दे, मुझे मारेगा। ये ले, ये ले। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं जानता। ए, इस शादी की कहानी क्या है मुझे बता। उस लड़की से शादी करके भैरव भाई एक अच्छा सा बेटा पैदा करेगा, यही बात है बस। अच्छा तो ये बात है क्या, ये कहानी है क्या? ये कहानी है, ये कहानी है भाई। दारू का बात किया तो अकेले पियोगे क्या, मुझे नहीं बुलाओगे? अरे क्यों नहीं है, तू आ जा बस। अभी आया। दारू 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 दारू। क्या बात है भाई,
कौन तुमको मारा भाई? ए, आज तुझे मैं मार डालूंगा। तू ऐसा क्या दिख रहा है रे? तू ऐसा क्या दिख रहा है मुझे? हाँ साले, मत मारो, मुझे मैटर अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है। यहाँ के हालात अच्छे नहीं है। जॉनी लीवर को गुस्सा आया है। मैं जॉनी लीवर का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी तेजा फिल्म जो सिल्वर जुबली हुई थी। I love you रे। मैं तुझे और फिदा हूँ रे। Double thanks। अच्छा एक बात बता, वो भैरव बहुत बड़ा डॉन है क्या? सबको खा जाता है क्या? जेरॉक्स कॉपी की मशीन है क्या? दो मशीन का इस्तेमाल करके एक कॉपी कैसे निकालता है वो? हाँ, एक कॉपी कैसे निकालता है? उस मशीन के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप इनसे पूछ लो। उधर शादी हो रही है और तुम सब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? ये क्या, तुम फिल्म के विलन की तरह हथियार लेकर खड़े हो क्या रे? तू क्या इशारा कर रहा है? बराबर कर रहा है, बराबर कर रहा है ये। क्यों रे, तेरा बेटा तो पैदा होने के बाद मर गया था ना, तो फिर उस लड़की के पेट से दोबारा कैसा पैदा होएगा बता? हलवा है क्या? अगर ऐसा होता तो मैं माइकल जैक्सन को पैदा नहीं करता क्या? तू मेरा साथ दे, मैं माइकल जैक्सन को पैदा करके दिखाता हूँ। मैं भैरव की बीवी हूँ समझे? तेरी और तेरे भैरव की। सॉरी, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता हूँ। गुड आइडिया। अबे मोटे चल उठ जा, साले फेविकोल को लगा के बैठा है क्या? उठ, दोनों मिलकर इसकी खूब धुलाई करो। अभी करते हैं। शुरू हो जाओ नहीं तो मैं तुमको हल्के से मारूंगा, तुम जोर से चलो। बस करो भाई, अगर इतना जोर से मारोगे तो मर जाएगी यार। देख उसकी हालत क्या हो गई है। जोर से मत मारो भाई, बस थोड़ा सा ऐसे टच करो, इस तरह से ऐसे टच करो, इस तरह से। अबे मार साले, मारेगा नहीं? मार, नहीं तो सबको काट के फेंक दूंगा। मार जल्दी। अबे उस तरफ। भैरव को पता चल गया तो मुझे कुत्ता बना देगा, मार डालेगा गया मुझे। तो दोस्त की शादी में हेल्प किया, सोच ले मर गया समझ तो। लेना दोस्त की शादी में कुर्बानी दी। अरे मुंह ढकना यार। ए, चुप कर। भाई अंकल रेडी? हाँ भाई रेडी हो गए, चलो। हाँ मैं तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आइए अंकल, आइए बैठिए। अरे चलो बजा बजा। अरे देख क्या रहो, चलो चलो। अरे बाप रे, नशा उतर गया, इन्हें पता चल गया तो मुसीबत होगी। ए, ए, ये शादी नहीं हो सकती, अगर हो गई तो सबके टुकड़े कर दूंगा। किरण मेडी कहाँ है? किस लिए रे? उसे मंडप में ले जाना है अंकल। मंडप पे ले जाना चाहता है या तू भगा कर ले जाना चाहता है? अंकल आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अजय देवगन उर्फ विजय, किरण बेनी का बॉयफ्रेंड, पंजाब का रहने वाला, तू कौन है मुझे सब मालूम पड़ चुका है। शत्रु को बाहर रहने से अच्छा घर में ही रखना मैंने अच्छा समझा, इसीलिए तो आस्तीन में सांप पाला था। पर यहाँ पर मेरा कब्जा है, ये तू नहीं जानता। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अबे वो चला गया। चला गया क्या? हाँ तो फिर चलो। अरे भैरव भाई, भैरव भाई, भैरव भाई। कौन है ऊपर, जवाब क्यों नहीं देता? हेलो जीजा जी, आप कहाँ पे हो जीजा जी? ऊपर आकाश दिख रहा है और नीचे जमीन दिख रही है, इतना एड्रेस काफी हो गया। हाँ भाई, जीजा जी ने बताया है कि ऊपर आकाश दिख रहा है, नीचे जमीन दिख रही है। कुछ भी बोलता है, ऊपर आसमान चारों तरफ दीवार नग में होता है क्या? हेलो मेरा भाई, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम जहाँ कहीं भी हो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। हाँ तू एक काम कर, अपने सारे आदमियों को भैरव भाई को ढूंढने के लिए लगा दे और पता लगा कि कहाँ पर है वो। हाँ ठीक है। अह
है अंकल, ये है मेरा सेटअप। विजय, तुझे खत्म कर दूंगा। नो डिस्कशन। किरण वेणी एक घंटे के अंदर राम मंदिर में आ जानी चाहिए, वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। विजय, तुम गलत कर रहे हो। चल फोन कर। हेलो, ए भैरव भाई, तुम कहां पर हो ये बताओ ना। किरण वेणी को गांव के बाहर जो राम का मंदिर है ले जाके विजय के हवाले कर दो। ये नहीं हो सकता यार। जो कह रहा हूँ सुनो, किरण वेणी को उसके हवाले कर दो। तूने सब कुछ छोड़कर भैरव भाई को ही अपने वश में कर लिया। किरण वेणी को मेरे हवाले कर दो। किरण वेणी को हम लोग अपने साथ में लेकर आए हैं। अरे ये बताओ, भैरव भाई को तुमने कहाँ पे छुपा के रखा है? पहले किरण वेणी, उसके बाद भैरव। फिर मात दे दी, उसके हवाले कर दो। ए, उसको लाओ, लाके इसके हवाले करो। बेटा शौक लग गया ना, खेल खेलने से तुझे नहीं मुझे भी आता है, मेरा मतलब हम लोग को आता है। किरण वेणी को देखने का मन कर रहा है, लेकिन तेरे मरते वक्त किरण वेणी की शक्ल देखने का मेरा भी मन कर रहा है। किरण वेणी को लेकर आओ। किरण वेणी तुझे भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, लेकिन किरण वेणी को तू चाहिए, वो मुझे पसंद नहीं है। ए, मार दो इसको। क्यों नहीं होंगे, तुम्हारे जीजा जी जो हैं। हाँ।
होगी, अग्नि जलाओ, लड़की को मंडप पे बिठाओ। ये जेल, तू कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे। ए, बजाओ। इंडिया ट्रेवल्स, आज के दिन की मुझे हैदराबाद की एक टिकट चाहिए। भाई दो टिकट कटो ना, मैं भी चलाऊंगा। चल बे गधे यहां से। जी उठिए, क्या हो गया आपको? ये कैसे उठेगा, इसकी कमर तो पूरी तरह से टूट गई। अंकल करंट कट, करंट कट। दीदी तेरे साथ तो अन्याय हो गया। अरे तेरे साथ अन्याय हो गया। तुम फिक्र मत करो भाभी, मैं गवर्नमेंट से कह के फ्री करंट दिला दूंगा। ये करंट कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, जीजा जी का अंदर का फिजिकल करंट है। भैरव भाई, भैरव भाई, क्या हो गया? जिसने मुझे किडनैप किया था वो मेरे लिए नहीं आया था, वो किरण वेणी के लिए आया था। हमको बहुत होशियारी से रहना होगा और किरण वेणी को कहीं छिपा देना होगा। रामायण पूरी खत्म हो गई, रावण का खेल खत्म हो गया, सीता को राम अपने साथ ले गए, अब क्या जरूरत है किरण वेणी को छिपाने की? अबे साले, क्लाइमेक्स में आकर कॉमेडी करता है क्या? आराम से संभालिए। आई लव यू विजय। इन सब चीजों का जिम्मेदार है वो जॉनी लीवर। ए जॉनी लीवर, तू कहां पर छिपा है रे? रॉय, खाना खा रहे हो या मशीन चला रहे हो? आवाज कितनी है? शादी का बैंड और खाने की आवाज दोनों कॉमन बात है, क्या प्रॉब्लम है? ए, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस एरिया का मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। ऐसे चप चप करके खाओगे ना, मैं तुम्हें ही चबा डालूंगा। ए अजय, इस शहर में फिर से गुंडागर्दी चालू हो गई है। साले कमीने लोग चैन से खाने भी नहीं देते यार। गुंडागर्दी को खत्म करना है, जल्दी आजा। रिलायंस में आपका स्वागत है, ये ऑफर कंपनी की तरफ से फ्री है। इस शहर के गुंडों की खबर जानने के लिए एक दबाइए। शहर शुभ हो। कौन था वो? अरे कोई नहीं, अपने पगले गुरुजी हैं।